सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लाल जी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नए शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 96 वचन 1 से। भजन संहिता अध्याय 96 वचन 1 से आइए देखते हैं। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ने स्वर्ग को बनाया है, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। आमेन। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन कहती है कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, जो स्वर्ग में रहने वाला, जो तुम्हारे जीवन के प्रति आशीष देता है, जो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करता है, जो तुम्हें जीवन देता है और बहुतायत का जीवन देता है, वचन कहती है कि उस यहोवा परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाओ। कहता है, हे सारे पृथ्वी के लोगों, उस यहोवा के लिए गाओ, उस परमेश्वर के लिए गाओ। कहता है, तुम यहोवा के लिए, परमेश्वर के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। कहता है कि उस परमेश्वर के लिए गीत गाओ और उसके नाम को हमेशा धन्य कहो। कहता है, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। कहता है, हर दिन, दिन प्रतिदिन उसने जो उद्धार के काम किए हैं और उद्धार की जो बातें सिखाई है, कहता है कि दिन प्रतिदिन तुम क्या करो, लोगों के सामने उस परमेश्वर के किए हुए उद्धार की जो बातें हैं, बातों का सुसमाचार लोगों को सुनाओ, ताकि लोग सुने और उस परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाएं। इसलिए कहता है, अन्य जातियों में भी उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। वचन कहती है, जितने अन्य जाति है जो परमेश्वर को नहीं जानते, कहता है उनमें परमेश्वर की महिमा का वर्णन सुनाओ, उनको परमेश्वर की महिमा का वर्णन, उनके बीच में परमेश्वर की महिमा का वर्णन करो, और देश देश के जितने लोग हैं उनके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। कहता है, जितने देश देश के लोग हैं, उन लोगों के बीच में परमेश्वर के जो भी आश्चर्य कर्म हैं, जो उन्होंने चिन्ह चमत्कार और चंगाई के कामों को प्रकट किया, जो असंभव कार्य को संभव प्रकट किया है, संभव करके दिखाया है, कहता है उसके सारे आश्चर्य कर्मों का वर्णन देश देश के लोगों के बीच में करो। वचन कहता है, इसलिए क्योंकि हमारा जो यहोवा परमेश्वर वह महान है, और अति स्तुति के योग्य है। जो हमारा यहोवा परमेश्वर है वह महान और अति
स्तुति के योग्य है, ज्यादा से ज्यादा वह महिमा के योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। इस संसार के अंदर जितने देवता हैं, कहता है वो सारे देवताओं से कहीं ऊंचा, कहीं महान है। वो सारे देवताओं से अधिक वह भय योग्य है। वह सारे देवताओं से अधिक भय रखने की योग्य है। वचन कहती है क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं। कहता है इस संसार के अंदर जितने भी देश हैं, हर देश देश के अंदर जितने भी देवता हैं, वो देवता कोई और नहीं बल्कि मूर्त ही है। देश देश के लोग मूर्तों को देवता ग्रहण करते हैं। इसलिए वचन कहती है क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। परंतु जिस यहोवा की महिमा की बातें तुम्हें बताई जा रही है, वह यहोवा तो ऐसा परमेश्वर है, उसने स्वर्ग को बनाया है, उसने पृथ्वी को भी बनाया, उसने पूरा संसार को बनाया, उसने स्वर्ग को बना दिया है। वचन कहती है उसके चारों ओर तो वैभव है, उसके चारों ओर ढेर सारा वैभव और ढेर सारा ऐश्वर्य है। उसके चारों ओर जहां पे वह परमेश्वर वह यहोवा रहता है, वहां उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है। कहता है उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा होती है। जहां उसका पवित्र स्थान होता है वहां पे तो भारी सामर्थ होती है। उसके पवित्र स्थान में भारी सामर्थ और बहुत भारी शोभा होती है। वो मन भावना दृश्य होता है, लुभावना दृष्टि होता है, मन भावना वो अनंत शोभायमान होता है। इसलिए वचन कहती है उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा होता है। इसलिए वचन कहती है ऐसे परमेश्वर की महिमा करो, उसके लिए नया गीत गाओ, उसके लिए गीत गाओ और उसके नाम को धन्य कहो। मेरे प्रियो, सच में यदि कोई मनुष्य उस परमेश्वर की महिमा को गाता है, उसके नाम को धन्य कहता है, तो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर उस मनुष्य के ऊपर वह स्वर्ग की आशीषें प्रकट करता है और अनंत काल के आशीषों में उसे भर के वह अनंत काल के जीवन के योग्य उसे बना देता है। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सबके लिए आज सुबह की प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर पूरे दिन आपको अपनी आशीषों में सुरक्षित भर के रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं इतना धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं इतना धन्यवाद करता प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, तू अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर इन सबके शरीर को स्पर्श कर। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक के शरीर को स्पर्श कर ताकि इनके शरीर के अंदर जितने भी दुख तकलीफ बीमारियाँ बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर आज पूरे दिन तक इन्हें बिल्कुल सुरक्षित अपने आशीषों में भर के रख, ताकि इनके द्वारा कोई गुनाह कोई अधर्म के काम न होने पाए, हर पाप हर अधर्म से ने बचा। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर में जो भी दुख है तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए, हर दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारगरी के बंधन सारे बंधन टूटने पाए। ओ महान परमेश्वर आज पूरे दिन के लिए हे परमेश्वर इनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज पूरे दिन इन्हें अपने आशीषों में ढांप के रखता कि हे परमेश्वर आशीष से सदा इनके जीवन में बनी रहे। महान परमेश्वर प्रार्थना करता हूं जैसा तेरी वचन में लिखा गया है कि जो मनुष्य विश्वास करता कभी लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर ये लोग तेरे विश्वास से प्रभु इनके विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा कर, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर इन सबके शरीर में जो भी बीमारियां छुपी वह सारी बीमारियां इनका शरीर छोड़े निकल जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते इनके शरीर में जुकाम हो तो जुकाम नष्ट हो, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार
शरीर छोड़े निकल जाए, बुखार शरीर छोड़े निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया बिल्कुल नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि इनके सर में दर्द हो, सर का दर्द, बदन का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, सर का दर्द, बदन का दर्द नष्ट होने पाए, इनके पूरे शरीर का दर्द निकल जाए, हड्डी हड्डी का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों का दर्द बिल्कुल नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके सीने में प्रॉब्लम, सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए, सांस फूलने की बीमारी निकल जाए, जिस कारण से सांस फूलती हुआ कारण ही नष्ट कर, और इन्हें भली बात चंगा कर, इनके गले की खराश बिल्कुल नष्ट होने पाए, सीने में दर्द हो या सीने में जलन हो तो नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, इनके सीने में कफ का जकड़न हो तो बिल्कुल दूर होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जैसा तूने वचन में कहा कि यदि मनुष्य एक राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उस पेड़ से कह दे दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर, राई के दाने के बराबर इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर जो भी तकलीफ है तू देखता और जानता है, उस सारी तकलीफों को इनके शरीर से अलग कर और इन्हें चंगा कर। हे परमेश्वर, जैसा आपके वचन में लिखा गया है कि मैं तुझे बहेलिए की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे परों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। पिता, वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट कर, इन्हें चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि शरीर के अंदर कोई प्रकार के वायरस का असर हो, यीशु के नाम से वह वायरस नष्ट होने पाए। जो हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके लिए कि इनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव हो, तो हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि उसके शरीर के भीतर से कोरोना का असर बिल्कुल खत्म होने पाए, वह हर प्रकार का वायरस जलकर नष्ट होने पाए, हर महामारी का असर बिल्कुल दूर होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते जैसा है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उस वचन के अनुसार जैसा आपने कहा कि मैं तुझे बहेलिए की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, तो हे परमेश्वर, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उन्हें हे परमेश्वर इन सारी महामारियों से बचा मेरे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर हर प्रकार का वायरस और उसके जो लक्षण इनके शरीर के अंदर है, उस सारे लक्षण बिल्कुल जलकर नष्ट होने पाए। आज के 2000 साल पहले कलवे के उस पर लहू बहाया था, उस सामर्थी लहू के द्वारा इनके शरीर को धो दे मेरे प्रभु, ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर बिल्कुल भली चंगी हो जाए, शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, हर प्रकार के वायरस जलकर नष्ट होने पाए, हर प्रकार की महामारियां जलकर नष्ट होने पाए, कोरोना बिल्कुल इनके शरीर, इनके जीवन से निकल जाए, इनके घर से निकल जाए, परिवार से निकल जाए। हे परमेश्वर, जिन जिन लोगों के शरीर के अंदर जुकाम, खांसी, बुखार है, बिल्कुल नष्ट होने पाए, कफ का जकड़न दूर होने पाए, सीने में प्रॉब्लम हो तो दूर हो जाए, सांस फूलने की बीमारी निकल जाए, कमजोरियां नष्ट हो, नई ताकत, शक्तियां आए। हाँ मेरे प्रभु, इनकी हड्डी हड्डी में ताकत भर दे। हम प्रार्थना करते हैं इनके हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे रहता हूँ, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनके घर, इनके परिवार, इनके रोजी रोजगार पे आशीष दे, बढ़ोतरी, बरकत हो। हे परमेश्वर, इनका रोजगार दिन प्रतिदिन बढ़ना चालू हो जाए, जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिलने पाए, इन्हें गरीबी के श्राप से छुटकारा दे मेरे प्रभु, इन्हें कर्ज के बोझ से छुटकारा दे, ताकि इनके सर का कर्ज बिल्कुल अदा होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन, हर एक के घर परिवार में आशीष दे, ताकि इनके जीवन में जितनी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, जिसके पास घर नहीं उसे घर मिले, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन मिलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे, हर एक के जीवन को हम तेरे हाथ में देते प्रभु, हर एक के जीवन को अपनी आशीषों में ढांप ले, ताकि संसार और संसार की सारी शक्तियां, हे परमेश्वर, यदि इनके जीवन में कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करती है तो वह जलकर नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जैसा आपने कहा वचन में कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया तो कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए वे तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, अपने स्वर्ग दूतों को इन सबके लिए भेज। हे परमेश्वर, आज्ञा दे स्वर्ग दूतों को, ताकि स्वर्ग दूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे, कि शरीर में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां नष्ट होने पाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते आकाश के सोते से अपनी महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हे परमेश्वर इन
सबके जीवन में, चाहे जो कोई बीमारी निकल जाए, कोई दुष्ट आत्माएं तो निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, जिसके पास संतान न हो परमेश्वर ने संतान की आशीष दे। जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, हे परमेश्वर उनके जीवन में जितनी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो जाए, हर प्रकार की परेशानियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। ओ महान प्रभु, हम यीशु के नाम से विनती करते हैं कि तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के नाम से हरे के लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरे को आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी।